चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQIS। मैं आप सभी का स्टडी IQIS की टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ प्रीतेश माथुरकर, द लीड ऑप्शनल फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी एट स्टडी IQIS। तो गाइज, वी हैव ट्रेवल्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द मैपिंग सीरीज। फिर हमने GC Leong का पार्ट 2 डिस्कस किया है। वी आर लेफ्ट विथ वन लेक्चर। वो लेक्चर आप सबको जल्द ही मिल जाएगा ऑन द लाइव फॉर्मेट। And now guys, today we are doing a very specialized video on the tropical cyclones. Basically, आज मैं आप सबके लिए एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूँ कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या है, ओके, उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, वॉट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी डेवलपमेंट कैसी होती है, उनके स्टेजेस क्या क्या होते हैं, देन वॉट आर द पार्ट्स ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ओके, कैसे कैसे आप ट्रांजिशन होता है फ्रॉम अ लाइट वेदर टू अ वेरी इंटेंस वेदर टू अ वेरी मच इंटेंसिफाइड वेदर। सो ऑल ऑफ द थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड हम लोग थोड़ा मूवमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू अ ब्रीफ विद रिगार्ड्स टू कि प्रेजेंट डे सिचुएशन कैसी है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए, बिकॉज यू एंड मी वी आर बोथ लिविंग इन द एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में हो क्या रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की इंटेंसिटी कैसे बढ़ रही है, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड इट, तो ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। तो जो लोग मुझे देख पा रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिए, आर यू ऑल एबल टू हियर एंड सी मी प्रॉपरली। यस, मॉर्निंग सुधीर सर, ओके। जो लोग मुझे देख रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिएगा आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है, ओके। तो गाइस, शुरुआत करने से पहले मैं आप सबके साथ और एक चीज शेयर करना चाहूंगा। अगर आप मेरे साथ एक ऐसे पर्सन के साथ आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल की जर्नी की शुरुआत करना चाहेंगे जो केवल ज्योग्राफर बाय प्रोफेशन ही नहीं है बट ज्योग्राफर बाय हार्ट भी है, तो यू कैन यूज माय कोड PMLIFE। द एडमिशंस आर क्लोजिंग फास्ट ऑन 8th ऑफ डिसंबर एंड यू कैन स्टार्ट यूअर ऑप्शनल जर्नी विथ मी एट अ वेरी स्पेशलाइज्ड प्राइस ऑफ ओनली 15,999 रुपीज। तो जल्द से जल्दी आपकी जर्नी की शुरुआत कीजिए एंड लेट अस गो ऑन अ वर्ल्ड टूर टुगेदर, ओके। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि प्रेजेंटली एक ट्रॉपिकल साइक्लोन चेन्नई में आया हुआ है एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज कॉल्ड एज मिचाउंग, ओके। तो आप सब जानते हैं कि चेन्नई की अगर आप इमेजेस देखेंगे तो कितनी तबाही मचाई है ट्रॉपिकल साइक्लोन ने। तो साइक्लोन्स ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा डिटेल कंसेप्ट आता है बिकॉज दिस बिकम्स अ वेरी मच स्पेशलाइज्ड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सिस्टम। तो आज के वीडियो में हम लोग इसके डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद यू ऑल विद द वेरी बेसिक्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ओके। तो अगर मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ तो आप कहेंगे कि सर इन दिस वी आर हैविंग टू डिफरेंट नेम्स, एक है ट्रॉपिकल एंड दूसरा है साइक्लोन्स। सर, व्हाई दिस टू डिस्टिंक्ट नेम्स, क्यों ट्रॉपिकल अलग कह रहे हैं एंड साइक्लोन्स अलग कह रहे हैं? बिकॉज दुनिया में दो टाइप के आपको साइक्लोन्स मिलते हैं। यू हैव टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स इन द वर्ल्ड, यू हैव वार्म कोर साइक्लोन्स एंड यू हैव कोल्ड कोर साइक्लोन्स। यस, साइक्लोन्स आपको दो टाइप के मिलते हैं, एक होता है आपका वार्म कोर साइक्लोन्स एंड नंबर टू यू हैव कोल्ड कोर साइक्लोन्स। वार्म कोर साइक्लोन्स आपको नॉर्मली ट्रॉपिकल एरियाज में मिलते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज इन द सेंस बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड जो कोल्ड कोर साइक्लोन्स है ये नॉर्मली आपको टेम्परेट एरियाज में मिलते हैं। टेम्परेट एरियाज मीन्स अपवर्ड्स ऑफ 35 डिग्री अप टू 50 to 55 degrees, ओके। तो सर ये जो वार्म एंड कोल्ड कोर साइक्लोन्स है इनका बेसिक डिफरेंस क्या है एंड व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मोर आज के वीडियो में, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सो गाइस, अगर मैं साइक्लोन्स के बारे में बात कर रहा हूँ सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स कि साइक्लोन्स होते क्या है एंड हाउ दे गेट इंटेंसिफाइड। तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा, अगर मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो वी आर डिस्कसिंग वार्म कोर साइक्लोन्स। वार्म कोर क्यों? जैसे आप सब जानते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में जो इंसोलेशन रिसीव्ड है सन से जो एनर्जी आती है वो एनर्जी काफी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू दी बेसिकली दी टेम्परेट एरियाज। तो इसके वजह से यहाँ के साइक्लोन्स जो है दे आर मोर एनर्जी पैक्ड एज कंपेयर टू द साइक्लोन्स ऑफ द टेम्परेट लैंड मासेस टेम्परेट एरियाज। इसलिए आप देखते हैं कि जो भी कल साइक्लोन आया चेन्नई में उसने कितनी ज्यादा तबाही मचाई,
ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स कि सर साइक्लोन्स होते क्या है। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस साइक्लोन्स, इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन छुपी है। ओके, साइक्लोन्स आर नथिंग बट साइक्लो ट्रॉफिक सिस्टम्स। दे आर विच सिस्टम्स? दे आर साइक्लोट्रॉफिक सिस्टम्स। साइक्लोट्रॉफिक सिस्टम्स मीन्स व्हाट? दैट दे मूव इन अ साइकिल। ओके, साइकिल इन द सेंस साइकिल के आपके पहिए होते हैं ना, द व्हील्स ऑफ द साइकिल, सो दे रोटेट, सो दे आर बेसिकली साइक्लोट्रॉफिक सिस्टम्स। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइक्लोट्रॉफिक सिस्टम्स, सो साइक्लोट्रॉफिक सिस्टम्स ये किसके अराउंड घूमेंगे? सो दे आर बेसिकली साइक्लोट्रॉफिक सिस्टम विथ अ लो प्रेशर कोर। इनके सेंटर पे क्या रहेगा? आपका एक लो प्रेशर का कोर रहेगा। अराउंड दिस लो प्रेशर कोर द विंड्स विल कम एंड दे विल स्पाइरल अराउंड द लो प्रेशर कोर। तो आप ऐसे समझिएगा कि आपके पास एक लो प्रेशर कोर है यहां पे, ओके, इसके अराउंड जो है आपका विंड जो है, ये विंड्स आके स्पाइरल कर रही है। सो साइक्लोट्रॉफिक सिस्टम्स दे आर हैविंग अ इंटेंसिफाइड लो प्रेशर कोर। जो प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट आपका बाहर से बीच के तरफ गिरते जा रहा है। जैसे आप मुझे पूछेंगे कि सर आप ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या कह रहे हैं, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर ग्रेडियंट? तो आप सब जानते हैं कि सरफेस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है वो 1013 मिलीबार रहता है। दिस इज 1 atm प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस। आप जहां पे बैठे हुए हो उसका प्रेशर जो है आपके सर के ऊपर, दैट इज 1013 मिलीबार। तो अगर सरफेस पे 1013 मिलीबार से प्रेशर नीचे जाने लगा एंड आपको सेंटर में एक लो प्रेशर कोर डेवलप होने लगा, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं साइक्लोट्रॉफिक सिस्टम। व्हाट डू वी कॉल दिस सिस्टम? वी कॉल दिस एज साइक्लोट्रॉफिक सिस्टम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज अ साइक्लोन? साइक्लोन इज नथिंग बट अ साइक्लोट्रॉफिक सिस्टम। ओके, ये एक स्मॉल लोकलाइज्ड लो प्रेशर कोर है। ये कैसा लो प्रेशर कोर है? ये एक छोटा सा, ओके, इट्स अ स्मॉल, इट्स अ लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मींस एक पर्टिकुलर जगह पे ही आपको ये लोकलाइज्ड लो प्रेशर कोर मिल रहा है। एंड आप जैसे जैसे बाहर से इसके तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे आप इस लो प्रेशर कोर के तरफ जा रहे हैं, आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस से धीरे 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 कम होते जा रहा है। तो लेट से फ्रॉम 1013 मिलीबार आपका प्रेशर पहुंच गया 900 मिलीबार। सो इस लो प्रेशर कोर का लेट से कि आपका जो प्रेशर है वो 900 मिलीबार तक गिर गया, तो इसको हम लोग कहते हैं लोकलाइज्ड लो प्रेशर कोर। एंड जो विंड्स रहेंगी ये सारी डायरेक्शन से इस लो प्रेशर कोर की तरफ अट्रैक्ट होगी एंड दे विल कन्वर्ज एंड दे विल स्टार्ट स्पाइरलिंग। सर ये विंड स्पाइरल कैसे करती है? ओके, हाउ डू दे टेक अप अ कर्व पाथ? आप ये जो साइक्लोट्रॉफिक सिस्टम कह रहे हैं कि द विंड इसके अराउंड स्पाइरल होगी, तो ये कैसे होगा? सो द कर्व पाथ और द स्पाइरलिंग पाथ, ओके, द कर्व पाथ और द स्पाइरलिंग और द कन्वर्जिंग, ओके, जो विंड स्पाइरल होगी, जो विंड कन्वर्ज होगी, ये कैसा पाथ लेगी? इट विल बी अ कर्व्ड स्पाइरलिंग और अ कर्व्ड कन्वर्जिंग पाथ। किसके वजह से? बिकॉज ऑफ अ फोर्स कॉल्ड एज कोरियोलिस फोर्स। आप सब जानते हैं कि धरती के रोटेशन के वजह से ऑन द सरफेस फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन एक एपरेंट फोर्स लगता है जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा? ये बॉडीज को डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो अभी मैं आपको दो पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जानने के लिए कि कैसे साइक्लोन्स की जो रोटेशन होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिफर करती है। तो अगेन आई एम ड्रॉइंग द सेम थिंग, एक आपका लोकलाइज लो प्रेशर कोर है, ओके, इसके सराउंडिंग में आपका जो प्रेशर है ये प्रेशर गिरते जा रहा है। सो लेट्स से कि यहाँ पे प्रेशर आपका 1013 मिलीबार है। सो फ्रॉम दिस द प्रेशर इज ड्रॉपिंग टुवर्ड्स द लो प्रेशर कोर, लेट्स से कि ये 900 मिलीबार है, ओके। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नदर हेमिस्फीयर, अगर मैं नदर हेमिस्फीयर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो नदर हेमिस्फीयर में आपके कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? राइट में। तो देखिएगा, अभी ये विंड आया,
ये विंड इज स्टार्टेड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स इट्स राइट एंड ये लो प्रेशर कोर पे आके कन्वर्ज हो गया। ये नीचे से एक विंड आया, ओके, ये विंड फिर से इस लो प्रेशर कोर की तरफ अट्रैक्ट हुआ, ये गया राइट में एंड इट इज कन्वर्जिंग लाइक दिस। अनदर विंड इज कमिंग, ओके, दूसरी विंड आ रही है, दूसरी विंड ऐसी आई, इट इज डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स इट्स राइट, इट इज गोइंग एंड इट इज कन्वर्जिंग अक्रॉस द लो प्रेशर कोर। सो इफ यू सी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये डायरेक्शन कैसी है, तो ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज लाइक दिस, ओके। तो ये डायरेक्शन कैसी होगी, दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज व्हाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रहेंगे ये सारे कैसे घूमेंगे, दे विल ऑल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। व्हाई, बिकॉज जो विंड्स है ये विंड आई राइट में डिफ्लेक्ट हुई एंड इट इज कन्वर्जिंग अक्रॉस दिस लो प्रेशर कोर। तो घूम जो रहा है, ये जो साइक्लोन घूम रहा है, ये जो साइक्लोट्रॉफिक सिस्टम अक्रॉस दिस लो प्रेशर घूम रही है, अक्रॉस नहीं, हम लोग इसे अराउंड कहेंगे, ये किस वे में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके। सो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमेशा कैसे रहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे। जबकि अगर मैं अभी सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सदर्न हेमिस्फीयर, तो सदर्न हेमिस्फीयर के जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रहेंगे वो किस डायरेक्शन में घूमेंगे, क्लॉकवाइज में। वो कैसे, आप ध्यान से समझिएगा। सो फिर से ये आपका लोकलाइज लो प्रेशर कोर, तो यहां तक आपका जो प्रेशर है ये प्रेशर गिरते जा रहा है। सो अगेन लेट्स से कि ये 1013 मिलीबार है एंड यहां तक आपका जो प्रेशर है ये 900 मिलीबार तक गिर चुका है। अभी देखिएगा विंड की डायरेक्शन कैसे, तो अगर हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर में है तो आपका कोरियोलिस फोर्स है लेफ्ट की तरफ। सो ये विंड आया, इट इज डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट, इट इज कन्वर्जिंग अक्रॉस दिस लो प्रेशर कोर। ये विंड आया, इट इज डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट, इट इज कन्वर्जिंग अक्रॉस दिस लो प्रेशर कोर। दिस विंड इज कमिंग, इट इज डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट एंड इट इज कन्वर्जिंग टुवर्ड्स दिस लो प्रेशर कोर। तो ये डायरेक्शन कैसी हुई, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ द स्पिनिंग, सो ये डायरेक्शन हो गई आपकी क्लॉकवाइज, यहां पे आपकी डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज। दैट इज व्हाई इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल द साइक्लोन्स विल रोटेट इन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भूलिएगा मत। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सारे साइक्लोन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। सदर्न हेमिस्फीयर के सारे साइक्लोन्स जो है ये आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे एंड इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स कौन सा है, कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स इज व्हाट गिव्स द रोटेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हवा घूमती है इन अ साइक्लोन वो किस वजह से होगी, कोरियोलिस फोर्स के वजह से, डोंट फॉरगेट इट। यस, मॉर्निंग सुरेश, मॉर्निंग रूपेश, नमस्कार एवरीबॉडी, ओके, आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लो प्रेशर कोर किस लैटिट्यूड्स में बन रहा है, अगर टेम्परेट लैटिट्यूड्स में बनता है तो हम लोग इसे कहते हैं कोल्ड कोर, अगर ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में बन रहा है तो हम लोग इसे कहते हैं वार्म कोर साइक्लोन्स। अभी आज हमें क्या पढ़ना है, व्हाट इज मीन बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और वार्म कोर साइक्लोन। हम लोग कोल्ड कोर साइक्लोन्स को टेम्परेट साइक्लोन्स के नाम से भी जानते हैं, हम लोग उन्हें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम से भी जानते हैं एंड वी ऑल्सो कॉल देम एज ट्रैवलिंग डिप्रेशंस, ओके, बहुत अलग अलग नाम है। तो दे आर बेसिकली द साइक्लोन्स फॉर्म ड्यू टू द इंटरक्शन ऑफ एयर मासेस। आज हमें पढ़ना है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, तो चलिए लेट अस स्टार्ट टू डिस्कस द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन डिटेल एंड हम लोग इसकी पूरी की पूरी एनालिसिस करते हैं फ्रॉम ए टू जेड। यस, मॉर्निंग जेनेडन, ओके, नाइस टू मीट यू आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। मॉर्निंग अर्पण, आपसे भी मिलकर बहुत दिनों बाद अच्छा लगा, ठीक है, चलिए। So, if I'm talking about tropical cyclones now, okay, अगर मैं अभी tropical cyclones के बारे में बात कर रहा हूं तो आपको इसमें दो चीजें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है, okay. So, they are associated with the tropical latitudes. This is comfortable. ये तो आपको समझ में आ गया, but यहाँ पे जो है, यहाँ पे energy is very high. They are more intensified. They are what? They are more intensified. They are more intensified systems.
आप कहेंगे कि सर ये मोर इंटेंसिफाइड सिस्टम्स क्यों है, वाई आर दे मोर इंटेंसिफाइड सिस्टम्स, वाई, बिकॉज यहाँ पे यू आर हैविंग डायरेक्ट थर्मल हीटिंग. यू हैव वॉट हियर, यू हैव डायरेक्ट थर्मल हीटिंग. जो सूरज की किरणें हैं, जो सोलर इंसुलेशन रिसीव्ड है धरती पे, ये ट्रॉपिकल एरियाज में सबसे ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. सो दैट इज व्हाई दे बिकम मोर इंटेंसिफाइड सिस्टम्स. अगर आपने मीटरोलॉजी की न्यूज देखी होगी तीन चार दिनों में, तो आपने एक स्टेटमेंट देखा होगा IMD का, राइट? वो स्टेटमेंट क्या था कि जो हमारा साइक्लोन मिचोंग है, इट स्टार्टेड एज अ लो प्रेशर एंड देन इट डेवलप्ड इनटू अ डिप्रेशन. तो ये जो लो प्रेशर से शुरू होता है एंड डिप्रेशन में बनता है, वो किस वजह से बनता है? बिकॉज ऑफ दिस इंटेंसिफिकेशन इटसेल्फ, राइट? तो आप जो टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं वो सारी टर्मिनोलॉजीज मैं आप सबको आज बताऊंगा. सो लो प्रेशर मींस 1013 मिलीबार से थोड़ा सा कम हो गया. अगर उससे और नीचे गिरने लगा, इफ इट इज फॉलिंग 950 मिलीबार, इतना ज्यादा गिर गया, हम लोग उसे कहते हैं डिप्रेशन. लो प्रेशर का डिप्रेशन बनना, ये सब किस वजह से बनेगा? बिकॉज ऑफ डायरेक्ट थर्मल हीटिंग. हीट होगा, एयर विल राइज अप, पानी गरम, लो प्रेशर. As the air rise up, it forms a very intense low pressure core. ठीक है, चलिए. तो ये एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि they are more intensified due to thermal heating and because of this they become more violent. And इनकी सबसे बड़ी खासियत जो है, okay, the most distinguishing feature of this is that they are relatively smaller systems. इनकी जो radius है, okay. The radius is very small. Okay, very in the sense, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया. Radius is small. Okay, एकदम भी छोटी नहीं. But as compared to the temperate cyclones, इनकी जो radius है, it is very very less. Okay, the radius is only let's say around 50 to around let's say 100 kilometers. बस 50 से 100 किलोमीटर की इनकी रेडियस रहती है. तो अगर आप इनके डायमीटर की बात करेंगे कि सर ये कितने किलोमीटर तक ये साइक्लोन आपका रह सकता है, तो ऑन एन एवरेज इट इज बिटवीन 100 टू 200 किलोमीटर का इसका साइक्लोन का एरिया रहेगा. तो एक छोर से दूसरे छोर की तरफ अगर आप जा रहे हैं, तो 100 से 200 किलोमीटर का आपको ये साइक्लोन मिलेगा. एंड अगर आप इनका एज स्पैन देखेंगे, लाइक for how long this cyclones can actually go, so this cyclones can go on for roughly 5 to 7 days, but dhyan mein rakhiyega there are always exceptions. So on an average agar main inki lifespan ki baat kar raha hu, to 6 se 7 din ka inka lifespan rehta hai. Abhi is saal sare records toot gaye hain, main wo bhi aapko bataunga ki record kisne toda hai. वो तो बिकॉज ऑफ इंसानों के वजह से हम जो इतना क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, तो धरती माँ भी कह रही है कि अभी देखो मैं क्या करती हूँ. ओके, सो द अर्थ इज नाउ गोइंग 1-to-1 विद अस, ठीक है. बट टिपिकली दे गो ऑन फॉर 5 to 7 days एंड दे डाई डाउन, ठीक है. इनकी जो विंड स्पीड्स रहती है, विंड स्पीड्स, सो ट्रॉपिकल साइक्लोन कब कहा जाता है? देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन एक स्टेटस है. स्टेटस इन द सेंस कि हम लोग हर बहती हवा को ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं कहते हैं. जब हवा की स्पीड जो है एक पर्टिकुलर स्पीड लिमिट क्रॉस कर जाती है, उसके बाद ही हम लोग इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन का दर्जा देते हैं. तो उसे हम लोग बेसिकली गेल स्पीड कहते हैं, गेल वेलोसिटी. तो नॉर्मली इट इज अपवर्ड्स ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर. अगर 65 किलोमीटर पर आवर के ज्यादा की स्पीड से हवा बहने लग गई इन अ सर्कुलर वे, तो हम लोग उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन का दर्जा या फिर स्टेटस देते हैं. अगर आप देखेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में विंड स्पीड्स कितनी रहती है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में विंड स्पीड्स दे आर नॉर्मली अबव 100 किलोमीटर पर आवर. ओके, इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4. ओके, कैटेगरीज दे डिपेंड अपॉन कंट्री टू कंट्री. बट अगर विंड स्पीड्स आपकी 150 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर की चली गई, if they cross more than 150 kilometers per hour, then it is called as a super cyclone. हम लोग इसे क्या कहते हैं? Super cyclone कहते हैं. कब? जब आपकी wind speed basically 150 kilometers per hour से cross कर जाती है.
65 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की विंड स्पीड हो गई तो हम लोग इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन का दर्जा देंगे, एंड इफ इट इज मोर देन 150 किलोमीटर पर आवर वी कॉल दैट एज अ सुपर साइक्लोन. ओके, नाउ लेट अस गो इनटू द बेसिक्स एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि इसके डेवलपमेंट के फैक्टर्स कौन से हैं. सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन. डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसके फैक्टर्स कौन से हैं. तो सर हमको इतना तो समझ में आ गया कि ये लो प्रेशर कोर है, इसके अराउंड विंड्स घूम रही है, ये सारा हो रहा है, बट सर ये हो किस वजह से रहा है, ये बात तो बताइए. व्हाट एक्चुअली इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ दिस सर्कुलेशन. अगर मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में आपको कह रहा हूं, लाइक अगर आप खाली गूगल करेंगे, इफ यू जस्ट गूगल द इमेज ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ओके, तो आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन कुछ इस तरीके का दिख रहा है. ओके, तो दिस इज हाउ योर ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्चुअली लुक्स. तो सर ये जो घूमता हुआ हमें बादल दिख रहा है, अ बिग चंक ऑफ एयर विच इज रोटेटिंग, ये बनता किस वजह से, व्हाट इज द बेसिक नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस. तो इसमें आप एक बहुत बेसिक चीज ध्यान में रखिएगा, तो जो सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर आता है वो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है, कि सबसे पहले आपके थर्मल हीटिंग के वजह से, बिकॉज ऑफ थर्मल हीटिंग. ओके, थर्मल हीटिंग मीन्स सूरज की किरणें. सो सूरज की किरणें स्ट्राइक करेगी वाटर सरफेस को, दे विल स्ट्राइक द वाटर सरफेस. तो जैसे वाटर सरफेस को स्ट्राइक करेगी, पानी गर्म होने लगेगा, इसके ऊपर की हवा गर्म होने लगेगी एंड हवा ऊपर उठने लगेगी. सो यू हैव द डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन विच स्टार्ट्स विद अ थर्मल हीटिंग. थर्मल हीटिंग से आपका बनता है एक लो प्रेशर. ओके, ये जो थर्मल हीटिंग हो रही है, ओके, ये जो लो प्रेशर आपका बन रहा है, ये कहां पे होता है, वेयर इट नॉर्मली हैपेंस, इट हैपेंस ऑन द ओशंस. It happens on the open oceans. Tropical cyclones, they are never formed on the land. आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? Temperate cyclones हो सकते हैं land पे, उनकी शुरुआत हो सकती है, but tropical cyclones they never originate on the land. आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों? Because एक बार ये आपका low pressure बन गया, इसका जो intensification होता है, okay, इसका जो intensification होता है, इस इंटेंसिफिकेशन से ही साइक्लोन को क्या मिलती है, साइक्लोन को मिलती है उसकी एनर्जी. जो इतनी स्पीड से हवा घूमने लगती है, ये किसके वजह से मिलेगा, बिकॉज ऑफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ दिस लो प्रेशर कोर. सो ये जो इंटेंसिफिकेशन हो रहा है लो प्रेशर कोर का, ये किस वजह से होगा, व्हाट इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. सो दिस इज बिकॉज ऑफ वन थिंग, तो आपने सब ने कभी ना कभी तो पढ़ा है, बट ये आपको याद है क्या पता नहीं. सो इट इज बिकॉज ऑफ लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. सर व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, आप प्लीज ये बता पाएंगे हमें? चलिए ये बताते हैं. तो ध्यान में रखिएगा कि साइक्लोन्स को जो एनर्जी मिलती है, ओके, जो साइक्लोन्स को इतनी तबाही मचाने का जो ऊर्जा सोर्स है उसका, वो क्या है, लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. सर व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, प्लीज एक्सप्लेन अस. चलिए, सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट दिस इज द ओशनिक सरफेस. ओके, ये आपका ओशन सरफेस है, ठीक है. अभी बढ़िया सा सूरज है, ओके, द सन इज वार्मिंग अप, तो हवा जो है ये हवा ऊपर उठ रही है. ओके, द एयर इज राइजिंग, यहाँ पे आपका लो प्रेशर बन गया. अब जब हवा ऊपर उठ रही है तो इट विल स्टार्ट पिकिंग अप मॉइस्चर फ्रॉम द ओशंस. ये जो पानी है, ये पानी इट विल बी पिक्ड अप बाय द एयर आल्सो. पानी भी गर्म होके एज वाटर वेपर इट विल स्टार्ट टू राइज अप. नाउ एज सून एज इट राइजेस अप, आप सब जानते हैं जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है. तो एज द वाटर वेपर इट राइजेस, ओके, जैसे ये राइज करने लग गई अलॉन्ग विद द एयर, What will happen? It will start condensing. Okay. ये क्या करेगी? ये condense होना start करेगी. So this will start to basically condense. Now, as soon as it condenses, water vapor किस में convert होगी? It will convert into basically water droplets. Okay. ये water droplets में होगी और it will condense into
क्लाउड्स. सो ये जो बाफ है पानी की, व्हेन द वॉटर वेपर स्टार्ट्स कंडेंसिंग आइदर इनटू वॉटर ड्रॉपलेट्स और इन द क्लाउड्स, क्या होता है, इसमें से हीट बाहर निकाली जाती है. तो हीट इज रेडिएटेड आउट, हीट इज रेडिएटेड आउट. एंड ये जो हीट बाहर निकलती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. When the water vapor condenses into water droplets, heat is given out. And इसी को हम लोग क्या कहते हैं, we call it as the latent heat of condensation. अभी ये जो गर्माहट बाहर फेंकी जा रही है, ये गर्माहट क्या करेगी, ये गर्माहट यहाँ के पानी को फिर से गर्म करेगी. Again the water vapor starts rising. Again you have cloud formation. And again you are having latent heat of condensation being released. तो ये बाफ बनना, उसका वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर क्लाउड्स में कंडेंस होना, हीट बाहर निकलना, ये हीट इस पानी को फिर से गर्म करना, दिस प्रोसेस कीप्स ऑन एंड ऑन एंड ऑन. एंड दैट इज व्हाई जो साइक्लोन को एनर्जी मिलती है, जिसे हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी, वो किससे मिलती है, लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से. तो जितना ज्यादा आपका पानी गर्म, उतना ज्यादा आपका बाफ का ऊपर उठना, द मोर द वॉटर वेपर इज राइजिंग, द मोर इट इज कंडेंसिंग, द मोर लैटेंट हीट इज थ्रोन आउट, द मोर यू हैव व्हाट, यू हैव दिस प्रोसेस गोइंग ऑन. एंड दैट इज व्हाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, दे ऑलवेज ओरिजिनेट ऑन द ओशंस, एंड एज सून एज दे मेक लैंडफॉल, एज सून एज दे मेक लैंडफॉल, क्या होगा, इनका एनर्जी सोर्स जो है ये कट गया. There is no energy source because land पे पानी ही नहीं है. Where do you have oceans? Rivers or lakes में इतना पानी तो नहीं है कि वो tropical cyclones को sustain कर सके, और वो उतना गर्म भी नहीं है. So as soon as it makes landfall, इसका main energy source जो है cut हो जाता है, latent heat of condensation, and on the landfall, the tropical cyclone dies out. तो ध्यान में रखिएगा, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की डेवलपमेंट होगी वो ओशन से शुरू होगी, एंड जो उसका इंटेंसिफिकेशन होगा वो होगा आपका लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से. तो सर इतना तो समझ में आ गया. अभी आप प्लीज सेकंड फैक्टर बताइए. तो आप जैसे सब जानते हैं कि आपको लो प्रेशर बनाना है, डायरेक्ट थर्मल हीटिंग करनी है, तो आपको एक मिनिमम सी सरफेस टेम्परेचर लगेगा. उसके नीचे का पानी जो रहेगा, अगर उसका टेम्परेचर उससे नीचे है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप नहीं हो सकता है, पानी गर्म चाहिए. तो यू रिक्वायर अ मिनिमम, ओके, यू रिक्वायर अ मिनिमम सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ हाउ मच, ऑफ अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन टू फॉर्म. इसके नीचे ट्रॉपिकल साइक्लोन का डेवलप होना बहुत मुश्किल रहता है, यानी इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो 27 डिग्री सेल्सियस का पानी का टेम्परेचर चाहिए. नाउ प्लीज कीप दिस इन माइंड गाइस, अगर मैं 27 डिग्री सेल्सियस का पानी का टेम्परेचर बात कर रहा हूँ, ये आपको कब मिलेगा? विल यू फाइंड दिस इन पीक समर्स? नो. ये आपको कब मिलेगा? ये आपको विंटर्स में मिलेगा. क्यों? बिकॉज पानी की स्पेसिफिक हीट काफी ज्यादा है. पानी ठंडा भी धीरे धीरे होगा एंड गर्म भी धीरे धीरे होगा. एंड दैट इज वाई आप देखते हैं कि इंडिया में जो साइक्लोनिक एक्टिविटी है वो पीक पे कब आती है, इन द मंथ्स ऑफ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर. यहाँ पे लाइक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड अर्ली दिसंबर, यहाँ तक आपकी साइक्लोनिक एक्टिविटी पीक करती है. क्यों? बिकॉज इन मंथ्स में पानी का टेम्परेचर 27 डिग्री पहुंच जाता है. समर्स में पानी ठंडा रहेगा, समर हीटिंग से पानी का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ने लगेगा, एंड इन द मंथ्स ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड अर्ली दिसंबर यू विल बी हैविंग द सी सरफेस टेम्परेचर्स रीचिंग 27 डिग्री सेल्सियस. इसी वजह से ये जो मंथ्स है, दीज आर द मंथ्स ऑफ इंटेंस साइक्लोनिक एक्टिविटी इन इंडिया, इंटेंस साइक्लोनिक एक्टिविटी इन इंडिया. तो जो आप तमिलनाडु में, चेन्नई में एंड आंध्र प्रदेश में साइक्लोन देख रहे हैं, मिचौंग, ओके, वो कब आया है? अभी आया है, बिकॉज अभी पानी जो है ये पानी बहुत बढ़िया गर्म हो चुका है. ओके, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. ओके, चलिए नाउ लेट अस मूव अहेड. ओके, लेट अस डिस्कस द सेकंड फिनोमिनॉन व्हिच इज नेसेसरी. ओके, नाउ इफ आई एम डिस्कसिंग द अदर फिनोमिनॉन कि सर ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए और क्या लगता है, द नंबर थर्ड फिनोमिनॉन व्हिच विल रिक्वायर,
सो द नंबर थर्ड फिनोमिनॉन जो हमें लगता है वो लगता है हमें कोरियोलिस फोर्स, बिकॉज ट्रॉपिकल साइक्लोन को आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन को आपको थोड़ा सा गाइस जस्ट गिव मी, आई एम एडजस्टिंग द कैमरा एंगल्स, ओके यप ओके नाउ इट्स डन. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कोरियोलिस फोर्स, ओके, बिकॉज हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन को घुमाने के लिए वी विल रिक्वायरिंग सम फोर्स टू इट. बिना कोरियोलिस फोर्स के ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इट कैनॉट रोटेट, ओके. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रोटेशन, ओके, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को रोटेशन के लिए आपको लगेगा कोरियोलिस फोर्स. द नंबर थर्ड फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इट इज कॉल्ड एज कोरियोलिस, ओके, इसे हम लोग कहेंगे कोरियोलिस फोर्स, ओके, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स से ही क्या होगा, आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन की रोटेशन शुरू होगी, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग ऑफ द कोरियोलिस फोर्स. नाउ इफ आई एम आस्किंग यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि क्या कोरियोलिस फोर्स आपको इक्वेटर पे मिलता है, तो आप कहेंगे नो सर, वी डोंट फाइंड कोरियोलिस फोर्स नियर द इक्वेटर. क्यों? बिकॉज कोरियोलिस फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन एंगल ऑफ लैटिट्यूड. तो अगर मैं इक्वेटर का कोरियोलिस फोर्स देख रहा हूं तो इक्वेटर पे साइन 0 degree इक्वल्स 0 एंड एट द पोल्स साइन 90 इक्वल्स 1. तो अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो आपका कोरियोलिस फोर्स की जो इंटेंसिटी है, जो डिफ्लेक्शन है, ये बढ़ते जाता है. एंड दैट इज वाई यू विल नेवर फाइंड, आपको कभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है ये आपको विदिन 5 degrees ऑफ इक्वेटर, मीन्स बिटवीन 0 degree टू 5 degree नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर यू विल नेवर फाइंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. अगर मैं मैप से आपको बता रहा हूं, सो दिस इज अवर वर्ल्ड मैप, ओके, ये हमारा वर्ल्ड मैप है. एंड इफ आई एम ड्रॉइंग देम फॉर यू कि किस बेल्ट में आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं मिलेंगे, सो दिस इज अवर इक्वेटर. सो इक्वेटर से 5 degree के बीच में, ओके, this belt, okay, between 0 degree to 5 degrees of equator, so 5 degrees south and 5 degrees north, is belt mein aapko tropical cyclones nahi milenge, okay, from 5 degrees to 10 degrees, 5 se 10 degree mein aapko itne intensified cyclones nahi milenge, 10 degrees ke baad jo hai aapko tropical cyclones banne lagte hai, kyun? बिकॉज इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स जो है ये कितना है, 0 है. आप ध्यान में रखिएगा कि कोरियोलिस फोर्स जो है ये साइन एंगल ऑफ लैटिट्यूड के साथ वैरी करता है. तो अगर आप इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स निकालेंगे, साइन 0 इज 0. एंड एज द कोरियोलिस फोर्स इज अब्सेंट ऑन द इक्वेटर, यू कैनॉट हैव द साइक्लोट्रॉफिक सिस्टम. आपको साइक्लोन्स घूमते हुआ नहीं मिल सकता है. यू कैनॉट स्टार्ट द स्पाइरलिंग ऑफ एयर. And because of this, between 5 degrees north and 5 degrees south, aapko koi bhi tropical cyclone originate hota hua nahi milega. Right? And up till now, no tropical cyclone has actually crossed equator. Abhi tak, till 2023, aaj tak koi bhi tropical cyclone aisa aaya nahi hai, jisne equator ko cross kiya hai. Because equator ko cross kar denge, to aapke direction of rotation reverse ho jayegi. Theek hai? चलिए सर, सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स. नंबर वन फैक्टर इज बेसिकली, आई एम अगेन समराइजिंग, नंबर वन फैक्टर इज द लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. द नंबर टू फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज मिनिमम सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ 27 degrees Celsius. एंड द नंबर थर्ड फैक्टर इज कोरियोलिस फोर्स, जिसके वजह से आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन घूमने लगता है. यस, मॉर्निंग एवरीबडी, सो नाइस टू मीट यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. लास्ट वीक आई वॉज नॉट देयर due to some health issues, so क्षमा कीजिएगा मुझे. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now, if I'm talking about the structure of the tropical cyclone, तो structure आप ध्यान से समझिएगा, because structure समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें cyclone का. Okay. So, guys, this is normally the structure of a tropical cyclone. Tropical cyclone क्या होता है? एक बड़ा सा cloud रहता है where you are having spiraling of air. तो ये आपका है low pressure core, इसके around air घूम के ऊपर जा रही है, and it is a big cloud. इस cloud को हम लोग क्या कहेंगे? इस cloud को हम लोग कहेंगे cumulonimbus cloud.
तो अगर आप ट्रॉपिकल साइक्लोन की कोई भी फोटो देखेंगे, लाइक लेट्स से आप ये कोई भी फोटो देखिएगा, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन लुक्स लाइक अ वेरी बिग क्लाउड, ये एक बड़ा सा आपको बादल दिखता है। इस बादल को हम लोग क्या कहते हैं, इस बादल को हम लोग कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ओके, अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन के यू टिपिकली हैव फाइव बिग पार्ट्स, पांच बड़े पार्ट्स है आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन के। मैं इसे यहाँ पे नेम कर देता हूँ, लेट्स से दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी, दिस इज पार्ट सी, ओके, दिस इज पार्ट डी एंड दिस इज पार्ट ओके ई। ओके, वैसे ही सेम हियर, यहाँ पे आपको ई डी सी बी एंड ए। तो आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के पांच इंपॉर्टेंट पार्ट्स मिलते हैं। द फर्स्ट पार्ट इट इज कॉल्ड एज पार्ट ए, ए को हम लोग कहते हैं आउटर स्लैश पेरिफेरल जोन। तो आप अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके करीब आ रहा है तो आपको क्या दिखेगा कि धीरे धीरे बादल बनना शुरू हो रहे हैं, द स्काई इज गेटिंग डार्कर। सो ए इज कॉल्ड एज आउटर स्लैश पेरिफेरी जोन, यहाँ पे आपको बारिश नहीं मिलेगी, यू वॉन्ट फाइंड रेन, जस्ट द स्काई इज गेटिंग डार्कर। देन जो जोन बी है आपका, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन मीन्स कि आपका स्काई फाइनली डार्क होने लगता है, आपको धीरे धीरे बारिश मिलने लगती है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी, यू विल स्टार्ट गेटिंग इट, सो इट विल स्टार्ट टू ड्रिजल। यू कैन ऑल्सो हैव ओकेजनल हैवी रेनफॉल, ऐसा नहीं कि कम रेनफॉल मिलेगा, बट धीरे धीरे आपकी बूंदाबांदी शुरू होगी। देन ये जो जोन सी है, ये जोन सी काफी स्पेशलाइज जोन है। This zone C, this is called as the zone of down drought. इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं zone of down drought. Zone of down drought यानी क्या, कि ये जो आपका localized low pressure core था, जिसके अराउंड विंड घूम के ऊपर जा रही है, ये विंड ऊपर जाएगी, ये विंड डाइवर्ज होगी एंड ये विंड नीचे सी में आके सिंक करती है। सो ये हेयर ऊपर गई, इट इज स्पाइरलिंग, इट इज डाइवर्जिंग एंड इट इज सिंकिंग ऑन द सी। तो ये जो पोर्शन है जहां पे हवा स्पाइरल होके ऊपर जाके नीचे सिंक करती है, दिस इज कॉल्ड एज जोन ऑफ डाउन ड्रॉट, एंड यहाँ पे आपको बारिश बढ़िया से मिलने लगती है। सो यू स्टार्ट गेटिंग हैवी रेनफॉल इन जोन सी एंड स्काई जो है यहाँ पे फाइनली डार्क होने लगता है, फाइनली द स्काई स्टार्ट्स टू गेट डार्कर। ओके, जो जोन डी है आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको वी ऑल्सो कॉल इट एज इनर साइक्लोन। जो जोन डी है आपका, इसे हम लोग कहते हैं इनर साइक्लोन। ओके, इनर साइक्लोन इन द सेंस कैसे है? कि यहां पे द स्काई बिकम्स द मोस्ट डार्क, ओके, वेरी हैवी रेनफॉल, एकदम स्काई ऐसा घने बादल, काले बादल आने लगते हैं, यू हैव बेसिकली वेरी वेरी हैवी रेनफॉल गोइंग टू स्टार्ट एंड ये जो आपका जोन है, ओके, ये जो जोन है आपका जोन डी से जोन ई में, ई इज बेसिकली कॉल्ड एज द आई ऑफ द साइक्लोन। ई को हम लोग क्या कहते हैं, आई, आई मीन्स जो आपका लो प्रेशर कोर है उसे हम लोग आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं, ओके, जिसके अराउंड हवा घूम के ऊपर जा रही है। सो डी से ई में जब आप शिफ्ट होते हैं, ये जो मैंने थिक लाइंस निकाली है, इन्हें हम लोग कहते हैं आई वॉल। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं आई वॉल, ठीक है। तो जैसे आप डी से ई में जाते हो, ये आपको थिक आई वॉल मिलती है। आई वॉल इज द जोन वेयर यू हैव वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल आपको कहां मिलेगा, आई वॉल में। क्यों आई वॉल में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, बिकॉज इसके आगे आपका लो प्रेशर कोर है, आपका प्रेशर जो है यहाँ पे ड्रास्टिकली गिर रहा है, तो प्रेशर कॉन्ट्रास्ट इज हाईएस्ट एट द आई वॉल, प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट ऑल्सो। इसी वजह से आई वॉल का जो वेदर है ये सबसे खतरनाक रहता है। ओके, आई वॉल जो रहेगा, दिस विल बी अ जोन ऑफ अराउंड 1 to 2 किलोमीटर, ओके, 1 to 2 किलोमीटर की आपकी आई वॉल रहेगी एंड यू विल बी हैविंग द बेसिकली मोस्ट स्टॉर्मीएस्ट वेदर, ओके, मोस्ट इंटेंस वेदर हियर, एंड यहाँ पे आपको ओले गिरते हुए, हेल स्टॉर्म्स होते हुए भी मिलेंगे। तो प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ एज सून एज यू क्रॉस आई वॉल एंड यू एंटर इन टू द आई, आप जैसे आई वॉल में एंटर करेंगे इन टू द आई, सो आई इज अ जोन ऑफ 3 to 5 किलोमीटर, 3 to 5 किलोमीटर का जोन रहता है, एंड जैसे आप आई में आ गए,
आपको क्या दिखता है, आपको क्लियर स्काई दिखने लगता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हवा घूम के ऊपर जा रही है, ये जो लो प्रेशर है यहाँ पे हवा ऊपर जा रही है, सो द स्काई इज क्लियर ओवर हियर। सर इज इट रियली सो? लेट मी शोकेस यू, यस इट्स रियली सो। ओके, तो अगर मैं आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन की फिर से फोटो दिखाऊं, ओके ये देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज द आई ऑफ द साइक्लोन। ओके, अगर मैं आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के आई की एग्जैक्ट फोटो दिखाऊं तो दिस इज हाउ द ट्रॉपिकल साइक्लोन आई लुक्स। ओके, लेट मी शोकेस अ गुड फोटो ऑफ इट। यस, ये देखिए, ये ऐसा आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन का आई दिखता है। यू कैन प्रैक्टिकली सी द सन। ओके, एंड ये जो दिख रही है आपको, दिस इज द आईवॉल, ये आपकी आईवॉल है। ओके, तो आप जैसे ही बेसिकली एज सून एज यू विल ट्रांजिशन फ्रॉम आईवॉल इनटू आई, आपका वेदर जो होता है एकदम क्लियर होता है, यू कैन सी द सन। अभी आपको एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात ये है कि आप जैसे ही आईवॉल से आई में जाते हैं तो आई का जो कंडीशन है ये 2 से 3 घंटे तक मेंटेन रहता है, एंड जैसे ही आप आई से आगे जाएंगे you directly enter into the eye wall. Abhi hota kya hai? Why do you have maximum loss of life and property? Dekhiyega, jo bhi fishermen rehte hain, unhe kya lagta hai ki chaliye sir hum log eye mein aa gaye, aapko suraj dikh raha hai, so now the cyclone has gone, abhi hame koi dhoka nahi hai, but bichare fishermen ye samajh nahi pate hain ki this is a cyclotrophic system, ghoom ke sari cheeze wapas aayegi, so everything will go round and it will come back. Why? Because it is a cyclotrophic system. So now, as soon as you enter into the eye, after the eye, the immediate zone which comes is the eyeball. And isi wajah se you have maximum destruction of property and max loss of lives. Why? Because the people get confused seeing the eye. जैसे आप eye में जाएंगे तो आप confuse हो जाएंगे कि यार weather तो clear दिख रहा है, you can see the sun. So let us go out, the cyclone has ended. No, immediately after the eye, you directly hit the eye wall. And eye wall, aap sab jante hain, because of temperature and pressure contrast, very intensified weather. And that is why the eye wall is a zone where you have maximum loss of property and life also. ठीक है, तो ये है आपका tropical cyclone का structure. Zone A, Zone B, Zone C, Zone D and Zone E. ए को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन जोन, सॉरी ए को हम लोग कहते हैं आउटर जोन, बी को हम लोग कहते हैं पेरिफेरल जोन, सी को हम लोग कहते हैं जोन ऑफ डाउनड्रॉट, जहां से हवा स्पाइरल होके ऊपर से नीचे आएगी, डी को हम लोग कहते हैं इनर साइक्लोन, ई इज कॉल्ड एज द आई, एंड डी एंड ई के बीच की जो वॉल रहेगी इसे हम लोग कहेंगे आई वॉल। यू प्लीज रिमेंबर दिस फोटो, ओके आप ये फोटो रिमेंबर कीजिएगा सो दैट यू नेवर फॉरगेट इट कि सर ये होता क्या है। तो आपको आय जो रहेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, यू कैन प्रैक्टिकली सी द सन। ओके चलिए, नाउ सर वी हैव अंडरस्टूड द साइक्लोन आल्सो, नाउ आप प्लीज हमें इसके मूवमेंट के बारे में बताइए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव कैसे करेंगे। सो देखिएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अगर इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के बीच में बन रहे हैं, अपवर्ड्स ऑफ 5 डिग्री नॉर्थ टिल अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, तो बट नेचुरली ये कौन से विंड के बेल्ट में आएंगे? दे विल बट नेचुरली कम इन द बेल्ट ऑफ द ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स कैसे फ्लो कर रही है? दे आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट। ओके, सो इन जनरल जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके फ्लो करेंगे, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विल मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये बात आप प्लीज ध्यान में रखिएगा। माई बैड मैंने गलत बोल दिया। जो आपकी ट्रेड विंड्स है ये ईस्ट से वेस्ट ब्लो करती है, सो बट नेचुरली जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ये भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करेंगे। आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्यों? बिकॉज वो ट्रेड विंड के बेल्ट में है। ट्रेड विंड के बेल्ट में होने की वजह से जो ट्रेड विंड्स आएंगी वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है, तो आप इसे अप्रोक्सीमेट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट। तो बट नेचुरली जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ये भी आपके ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करेंगे। जैसे अगर आप साइक्लोन मिचोआंग देखेंगे जो चेन्नई में आया है, इट डेवलप्ड समवेयर ओवर हियर, वो यहाँ पे डेवलप हुआ। ओके, देन इट स्टार्टेड टू गो लाइक दिस, तो इट डेवलप्ड नियर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से डेवलप होके ये
basically it started moving towards west and then it started moving towards northwest. Okay, so this is how you have the direction of the majority of cyclones. They move from west to east. Okay, abhi jo tropical cyclones hai, they are known by names differently in different areas. अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को अटलांटिक में क्या कहते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज हरिकेन्स. ओके, इन्हें हम लोग कहते हैं हरिकेन्स. अगर आप मुझे चाइना एंड जापान में पूछेंगे तो इन्हें यहाँ पे कहा जाता है टाइफून्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइफू. ओके, अगर आप मुझे ऑस्ट्रेलिया में पूछेंगे कि सर ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को क्या कहा जाता है, सो अलोंग द ऑस्ट्रेलिया दे आर कॉल्ड एज विली बिली. ओके, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज विली विली. ओके, तो ऑस्ट्रेलिया में हम लोग इसे विली बिली के नाम से जानते हैं. एंड इन इंडोनेशिया, ओके, इन फिलीपींस एंड इन इंडोनेशिया वी कॉल्ड इट एज बागियो. हम लोग इन्हें क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज बागियो. ओके, अलग अलग नाम से जानते हैं. एंड इंडिया, आप सब जानते हैं, इन इंडिया वी लाइक टू कीप थिंग्स वेरी स्ट्रेट. हम लोग कोई आड़ा तिरछा नाम नहीं देते इंडिया में. सो इन इंडिया वी कॉल देम एज साइक्लोन्स ओनली. हम लोग इन्हें क्या कहते हैं, हम लोग इन्हें साइक्लोन्स के नाम से ही जानते हैं. तो अभी आप मुझे पूछेंगे कि सर ये मिचुआंग, ये बिपरजॉय, ओके, साइक्लोन फ्रेडी, ये नाम्स कहाँ से आए, फ्रॉम वेयर आर ऑल दिस नेम्स एक्चुअली कमिंग. ओके, ये सारे नाम्स आ कहां से रहे हैं, तो चलिए मैं आपको ये सारे नाम्स का रहस्य बता देता हूं. देखिए, ग्लोबली यू आर हैविंग, ओके, ग्लोबली यू आर हैविंग आरएसएमसी एंड यू आर हैविंग टीडब्ल्यू ट्रॉपिकल साइक्लोन. जस्ट वेट अ बिट. सो यू आर हैविंग आरएसएमसी एंड यू आर हैविंग RSMC and you have TWMC. RSMC and TWMC kya hai? So RSMC basically means regionally specialized meteorological centers. RSMC ka matlab kya hai? Regionally specialized meteorological centers. And TWMC ka matlab hai tropical cyclones naming centers. Okay, so tropical cyclones naming center TWMC, hum log ise TWSC ke naam se bhi jante hain, and we also call them as RSMCs. RSMC, regionally specialized meteorological centers. So agar aap RSMCs dekhenge to total 6 hai in the world, and India is a part of it. India jo hai ye iska part hai. So IMD is a part of RSMC, regionally specialized meteorological centers. So ye jo 6 centers hai RSMCs, inki different countries jo hai ye members hai. India is a part of RSMC. So RSMC jo hai iski Southeast Asia ki, isme aapko different countries milegi, and every country jo hai ye cyclones ke naam deti hai. Every country will give a list of the cyclones names, and alphabetical order के basis पे ये cyclones के नाम जो है ये choose किए जाते हैं. तो जैसे India, then you will be having Myanmar, you will be having Bangladesh. तो alphabetical order में the countries picked up, India ने जो भी नाम दिया होगा, अगर वो नाम ले लिया गया तो फिर next नाम लिया जाता है, and the list is again repeated. तो 6 नामों की list मिलती है. In alphabetical order wise, the list is circulated. So, इस बार का जो नाम दिया गया था, जो cyclone चेन्नई में hit किया, that cyclone was named by Myanmar. तो अभी आप जो cyclone देख रहे हैं, मिचाउंग, okay, जो चेन्नई में आया, it is named by Myanmar. आप प्लीज ध्यान में रखिएगा कि RSMC जो है, anti-WMC, tropical warning, tropical cyclones naming centers और warning centers, ये जो है ये नेमिंग को ध्यान में रखते हैं. एंड जो नाम रहते हैं, ये नाम दे आर बेसिकली टेकन इन अ न्यूट्रल फॉर्मेट, कि किसी जेंडर बेसिक नाम ना हो, कोई कल्चर या फिर कोई ट्रेडिशन बेसिक नाम ना हो. एंड अगर आप मिचुआंग देखेंगे, सो मिचुआंग का जो मतलब बनता है, इट इज बेसिकली ब्रेवरी, इट इज बेसिकली वॉट, अ काइंड ऑफ रेजिलियंस. सो म्यांमार ने ये मिचुआंग नाम रखा है, जिसका मतलब रहता है रेजिलियंस और बेसिकली ताकत, ब्रेवरी. सो म्यांमार ने नाम चूज किया है.
आपको नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स पे इतना जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना ध्यान में रखिएगा कि ग्लोबली आरएसएमसी जो होती है, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, ये नाम रखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज। यू आर गिविंग अ लिस्ट कंट्री बाय कंट्री वाइज, 6 नाम दिए जाते हैं एंड वो नाम सर्कुलेट होते हैं। सो प्लीज रिमेंबर दिस द नेमिंग। नाउ गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कि क्लाइमेट चेंज के वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के साथ क्या क्या हो रहा है, आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो नाउ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, क्लाइमेट चेंज के वजह से हो क्या रहा है। सो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की इंटेंसिटी जो है ये इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो ड्यूरेशन है ये ड्यूरेशन भी बढ़ता जा रहा है। ओके सर, ये इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन बढ़ किस वजह से रहा है, तो इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओशन वार्मिंग। ओके, जो आपके ओशन वाटर्स है, द ओशंस आर वार्मिंग लाइक एनीथिंग। पानी बहुत गर्म होता है इसलिए साइक्लोन्स की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो रही है एंड पानी अगर ज्यादा गर्म हो रहा है तो साइक्लोन्स को लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन बहुत टाइम तक मिल रहा है, इसके वजह से साइक्लोन्स की इंटेंसिटी भी बढ़ रही है एंड साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स इज आल्सो इंक्रीजिंग। ओके, यू विल बी शॉक्ड टू हियर दिस कि इस साल एक साइक्लोन आया कॉल्ड एज साइक्लोन फ्रेडी। ओके, ये साइक्लोन फ्रेडी जो है ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में डेवलप हुआ, इट वेंट टुवर्ड्स द ईस्ट। ओके, ये मदागास्कर से होते हुए अफ्रीका में गया, मालावी को स्ट्रक किया, इट केम बैक, ये वापस आया, इट अगेन इंटेंसिफाइड एंड इट मेड सेकंड लैंडफॉल अगेन ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। मदागास्कर मालावी में दो बार इसने लैंडफॉल किया। सो साइक्लोन फ्रेडी दिस ईयर इट वेंट ऑन फॉर रफली 34 days, 34 दिन तक। नॉर्मली साइक्लोन 6 से 7 दिन चलते हैं बट साइक्लोन फ्रेडी दिस ईयर इट होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट अक्यूमुलेटेड एनर्जी ऑफ अ साइक्लोन। इसकी एनर्जी जो है ये एक साल में अटलांटिक ओशन में जितने हरिकेन्स बनते हैं उससे भी ज्यादा थी। तो 34 दिन तक ये साइक्लोन चला, इट वेंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इट केम बैक, इट अगेन इंटेंसिफाइड एंड इट अगेन स्ट्रक। तो ये जो सारी एबनॉर्मलिटीज हमें दिख रही है किसके वजह से दिख रही है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर मैं इंडिया स्पेसिफिक बात करूं कि सर इंडिया में हो क्या रहा है, नाउ इंडिया में देयर इज अ फिनोमिनन कॉल्ड एज आईओडी, इसे हम लोग कहते हैं इंडियन ओशन डायपोल। इंडियन ओशन डायपोल मीन्स क्या कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ओके, तो राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, हम लोग पॉजिटिव फेज में आईओडी के। आईओडी के पॉजिटिव फेज मींस अरेबियन सी जो है ये ज्यादा गर्म हो चुका है एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। इस वजह से आप देख रहे हैं कि अरेबियन सी में साइक्लोनिक एक्टिविटी बढ़ गई है एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। जैसे इस बार साइक्लोन बिपर जो है, सो मच डेडली साइक्लोन, सो अरेबियन सी इज नाउ वार्मिंग मोर एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल एंड बिकॉज ऑफ दिस अरेबियन सी में साइक्लोनिक एक्टिविटी जो है ये बढ़ चुकी है। ठीक है, अभी आप मुझे पूछेंगे कि सर क्वेश्चंस कहां से पूछे जा सकते हैं, तो आपको एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या है, वेयर आर दे फॉर्म्ड, उनकी प्रोसेस क्या होती है, उनका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कीजिए। यू कैन ऑल्सो बी आस्क्ड क्वेश्चंस विथ रिगार्ड्स टू डिजास्टर मैनेजमेंट। आप ध्यान में रखिएगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपको है, तो आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो साइक्लोनिक प्रोन रीजन है वो ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट दोनों है, तो यहाँ पे आप क्या क्या करने चाहिए। तो अगर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया गया तो आप ध्यान में रखिएगा कि यू कैन हैव स्ट्रक्चरल मेजर्स। ओके, यू कैन हैव स्ट्रक्चरल मेजर्स एंड यू कैन हैव नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स टू। ओके, देखिए आप सब लोग आईएएस ऑफिसर्स बनने वाले हैं आगे जाके। ओके, तो आपकी पहली जिम्मेदारी रहेगी कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करें, आप लोगों का लॉस एंड डैमेज रोके, बिकॉज सेफगार्डिंग ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी इज योर प्राइम ड्यूटी। तो स्ट्रक्चरल मेजर्स यानी क्या, कि आपने शेल्टर्स तैयार रखे हैं, आपने रेट्रोफिटिंग कर रखा है, अगर साइक्लोन आ रहा है तो साइक्लोन्स का सबसे बड़ा खतरा क्या रहता है, रेनफॉल तो रहता ही रहता है, ऑफ कोर्स यू विल बी हैविंग रेनफॉल, बट रेनफॉल के साथ साथ क्या होता है, समंदर का पानी अंदर आता है, उसे हम लोग कहते हैं स्टॉर्म सर्ज।
तो जो आप चेन्नई का एयरपोर्ट देख रहे हैं, ओके, जो आप चेन्नई के स्ट्रीट्स देख रहे हैं, दे आर सो मच फ्लडेड, सारे प्लेन्स वही के वही खड़े, किस वजह से? बिकॉज ऑफ स्टॉर्म सर्च। स्टॉर्म सर्च को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा लगता है। अगर आप अभी चेन्नई जाएंगे तो चेन्नई में दिक्कत क्या है कि जो लेक्स थे चेन्नई के, दे हैव ऑल बीन कन्वर्टेड इनटू बिग पॉश सोसाइटीज। जो चेन्नई के नेचुरल वेटलैंड्स थे, जो स्पंज थे चेन्नई के, दे आर नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू बिग टाउनशिप्स। सो द नेचुरल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द लैंड इटसेल्फ हैज डिक्रीज्ड। सो बिकॉज ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लानिंग, स्टॉर्म सर्ज जो है ये आपकी सिटीज को बर्बाद कर देता है। व्हाट इज हैपनिंग इन चेन्नई राइट नाउ? सो बैड इंफ्रास्ट्रक्चरल चॉइसेस, बैड टाउन प्लानिंग। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा कि स्ट्रक्चरल मेजर्स में आपका टाउन प्लानिंग आएगा, स्ट्रक्चरल मेजर्स में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेट्रोफिटिंग आएगा, कि आप स्टॉर्म सर्ज आ रही है, पानी का सर्ज आ रहा है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके घरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वी नीड टू हैव वेरी वेरी गुड बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चरल मेजर्स एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। मीन्स क्या? देखिए, अभी दिस इज अ वेरी न्यू डायमेंशन विच हैज ओपन्ड अप। नाउ वी आर हैविंग साइंस एंड टेक। हमारे पास साइंस भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास सैटेलाइट्स हैं जो मेजर कर सकते हैं कि साइक्लोन कहाँ पे, उसकी दिशा क्या है, व्हाट इज अ डायरेक्शन एंड व्हाट इज इट्स इंटेंसिटी। सो नाउ यूजिंग मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, हम लोगों को आगाह कर सकते हैं। वी कैन अलर्ट द पीपल। SMS आ गया आपके पास, आपने वीडियो बना दिया, आपने ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग कर दी कि यस यू बी अवेयर अ साइक्लोन इज कमिंग। सो यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप अवेयरनेस फैला सकते हैं, आप बच्चों को बचपन से पढ़ा सकते हैं कि यस इफ यू आर लिविंग इन अ ट्रॉपिकल साइक्लोन हजार्ड प्रोन एरिया ऑफ इंडिया, तो आप मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं, अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा है तो आप कैसे लॉस एंड डैमेज बचा सकते हैं। यू कैन हैव स्ट्रक्चरल मेजर्स एंड यू कैन हैव नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स टू। इन नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स प्लीज रिमेंबर द वर्ड अवेयरनेस। अवेयरनेस रहना बहुत जरूरी है, प्रिपेयर्डनेस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है गाइस, तो चलिए, आई टेक योर लीव फॉर नाउ। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो गाइज, ऑल ऑफ यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम। नाउ आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग सच इशू बेस्ड टॉपिक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, यू कैन ऑल कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम। माई ऑफिशियल ग्रुप इज ज्योग्राफी बाय प्रीतेश माधुरकर। आपको कोई भी डिफिकल्टी आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट? एंड आई जेन्युइनली होप दैट यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन अ गुड वे। आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। And we will continue to meet like this henceforth. Okay? So until next time, guys. Tata, bye bye. Adios, amigos. See you all soon. Very soon. And until next time, please take good care of yourself. Muskuraiye, jam ke padhai kijiye. Please be consistent. Okay? Bye bye, everybody. Take care. Thank you.